पठान अनस्टॉपेबल बॉक्स ऑफिस पे पठान अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही गाइस। आज पठान मूवी को 17वां दिन बॉक्स ऑफिस पे स्टार्ट हो चुका है, तो इस वीडियो में आपको डे 1 से लेके डे 17 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिखाने वाला बिल्कुल प्रूफ के साथ। और इस वीडियो में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी एकदम सही दी जाएगी, कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। पठान मूवी का बजट 250 करोड़ था, जिसमें शाहरुख खान को 100 करोड़ मिला, दीपिका पादुकोण को 15 करोड़, जॉन इब्राहिम को शूटिंग का 25 करोड़ दिया गया और एक्स्ट्रा रेवेन्यू भी शाहरुख खान को मिलेगा। आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर शहजादा मूवी 17 तारीख को रिलीज होने वाली और अक्षय कुमार की एक न्यू मूवी यानी सेल्फी जिसका नेम है 24 तारीख को रिलीज होने वाली। कल आप लोग एक्साइटेड हो इन मूवीज के लिए कि नहीं कमेंट सेक्शन में बताना। अगर हम ये भी बात करते हैं पठान मूवी केवल 15 दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड से 877 करोड़। जी हाँ गाइस, पठान मूवी 15 दिन के अंदर बॉक्स ऑफिस में पूरे वर्ल्ड वाइड से 877 करोड़ का बॉक्स ऑफिस बिजनेस कर चुकी है, 106 करोड़ US डॉलर कमा चुकी है अब तक पठान मूवी। अगर आप पैसों को डॉलर में कन्वर्ट करते हो तो अब तक पठान मूवी 106 करोड़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर चुकी है डॉलर केवल 15 दिनों के अंदर, जिसमें से 544 करोड़ इंडिया से कमा चुकी है, 452 करोड़ यूएस कमा चुकी है और 333 करोड़ बाहर की कंट्रीज कमा चुकी है। अगर आप शाहरुख खान के सच्चे पक्के फैन हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपका धमन होगा, वीडियो स्किप मत करना, आगे बहुत ओपी इन्फॉर्मेशन है। अगर हम ये बात करते हैं पठान मूवी केवल 7 दिन के अंदर सबसे नंबर 1 पे आ चुकी थी 551 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके हिंदी से इंडिया से, KGF चैप्टर 2, बाहुबली और सुल्तान मूवी इन सबसे नीचे है, लेकिन पठान एक नया रिकॉर्ड का। गाइस अभी डे 17 और डे 16 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऐड करना बाकी। अगर हम बात करते हैं पठान मूवी का डे 16 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो था 10 से 15 करोड़ था पूरे वर्ल्ड वाइड से, और इंडिया से पठान मूवी ने डे 16वें दिन के अंदर कमाया था पूरे 6 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडिया से। अगर हम बात करते हैं पठान मूवी 16 दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऐड करने के बाद अब तक पठान मूवी 890 करोड़ का कमाई कर चुकी है पूरे वर्ल्ड वाइड से, अभी 17वें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऐड करना बाकी है। तो इस वीडियो को दिल से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर आप शाहरुख भाई के सच्चे पक्के फैन हो तो कमेंट में रिप्लाई भी कर देना। सो अगर हम बात करते हैं पठान मूवी का 17वें दिन का एडवांस बुकिंग 5 करोड़ का हो चुका है और पठान मूवी 17वें दिन पूरे वर्ल्ड वाइड में 10 से 15 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली है, जो कि एक बहुत बड़ा जंप होगा। कोई भी मूवी 17वें दिन इतना ज्यादा कमाई नहीं कर सकी जितना अभी भी पठान मूवी कर रही है। तो 17वें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को ऐड करने के बाद पठान मूवी 905 करोड़ का बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लेगी केवल 17 दिन के अंदर। जी हाँ गाइज, अगर हम ये बात करते हैं पठान मूवी 17वें दिन 900 के आंकड़े को पार करने वाली है, जो कि इतिहास की हिस्ट्री में सबसे बड़ा रिकॉर्ड होगा, नॉन हॉलीडेज में आज तक कोई मूवी नहीं कर पाई। मूवी ने पहले ही केवल 7 दिन के अंदर RRR मूवी KGF चैप्टर 2, बाहुबली मूवीज के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। पठान मूवी ने 7 दिनों के अंदर 257 करोड़ का बॉक्स ऑफिस इंडिया से हिंदी में कलेक्शन करके KGF चैप्टर 2, RRR मूवीज के रिकॉर्ड को तोड़ के नंबर 1 पे आ गई थी। जी हाँ गाइज, अगर हम ये बात करते हैं पठान मूवी को यहाँ पे ब्रो, जो बाहर की कंट्री से केवल 9 दिन के अंदर US डॉलर में कमाई हुआ है 31 करोड़ US डॉलर पठान मूवी ने कमाया। दंगल, बदमत, बजरंगी भाईजान, धूम 3 इतना कमाई नहीं किया था, लेकिन पठान मूवी ने 31 करोड़ US डॉलर कमा के सबसे नंबर 1 पे आ चुकी है। बजरंगी भाईजान का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हिंदी में था 320 करोड़, जिसको पठान मूवी ने केवल 10 दिन के अंदर पूरा कर दिया 330 करोड़ कमा के बजरंगी भाईजान का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिकॉर्ड को तोड़ के नंबर 1 पे आ चुकी। जी हाँ गाइज, और गाइज आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना पठान मूवी लाइफ टाइम में कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करेगी, 1000 करोड़, 1200 करोड़ या 1500 करोड़। आज के लिए इतना ही।